जय हिंद साथियों, आज शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के सुपर टेट की महामैराथन क्लास में हम विविध के एक महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से आप जानते हैं। इसमें एक रक्षा एक टॉपिक है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा। यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में है। अगर आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है या एक शिक्षिका बनना है या अध्यापक या अध्यापिका बनना है तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना कि कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि यह वीडियो यह लेक्चर आपके सिलेक्शन के लिए है। और अगर आप वास्तविक सिलेक्शन चाहते हैं, आप कुछ मिनट में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते जिस प्रकार, उस प्रकार इस वीडियो के अंत तक बने रहने के बाद तब ये जान पाएंगे। यह वीडियो आपके जीवन की एक ऐतिहासिक क्लास, एक ऐतिहासिक वीडियो होगी। चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रायः कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाए जाते। इसलिए ई लर्निंग पे दुर्गेश की तरफ से एज ए गेस्ट टीचर के रूप में मैं राष्ट्रहित में, देशहित में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, जहां पर मेरा उद्देश्य है मैं अपने कीमती समय आपके लिए लाकर आपको भी सरकारी शिक्षक बनने में मैं पूरी मदद करूं, पूरा योगदान दूं। बाकी आपकी इच्छा, आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तख्ते ताज नसीब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास रचना, आप कुछ नया और बड़ा करना, तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री, शायद आप देख पा रहे होंगे, और अगर देख पा रहे हैं तो एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, जिसे LCA का नाम रखा था, क्या नाम रखा था? अगर वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने आपको बार बार बताया, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को जोड़ रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे 9:30 बजे। देखिए, इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो तेजस होगा, याद रखिएगा। क्या नाम होगा? तेजस। एक बात मेरी गौर से याद रखिएगा कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कि ध्यान दीजिएगा LCA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लिख लीजिएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम क्या किया था? तेजस किया था, याद रखिएगा। क्या नाम किया था? तेजस इसका नाम किया था। अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों को एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए स्वदेशियों पर, विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने इस इंजन के निर्माण को विकसित कर ली, ये हल्के लड़ाकू विमान जिन्हें लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया, या किसी संस्थान में, कोचिंग संस्थान में आपको नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए आप किसी कोचिंग संस्थान में जुड़े हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं इस बात का वादा करता हूं, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। सागर सम्राट भारत के पहले क्या थे? आज के टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, विविध का एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पे आपके 2 नंबर पक्के हैं, इससे बाहर आपके 2 नंबर नहीं आएंगे। फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, सागर सम्राट क्या था? सागर सम्राट भूगर्भिक अध्ययन के आधार पर, सागर सम्राट रिंग द्वारा ड्रिलिंग का कार्य कब हुआ था? 1974 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? 1974 में प्रारंभ किया गया था। यह वर्तमान में ONGC में स्वामित्व है, मानी मोबाइल आप सोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी का राइट आंसर होगा। जी हाँ, सी होगा, क्योंकि ड्रिलिंग का कार्य जो था भूगर्भिक अध्ययन के लिए, वो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी 1974 में हुआ था। यहीं पर मुंबई हाई में, यहीं से फरवरी में तेल की प्राप्ति हुई थी, इसी से, सागर सम्राट से ही मुंबई हाई में तेल मिला था। यह प्रश्न आपको याद रखिएगा बड़ी परीक्षा के लिए। मुंबई हाई में क्या मिला था? 1974 फरवरी में तेल मिला था, फरवरी में तेल मिला था। ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा, और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहला काम लाइक करिएगा, फिर वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका चयन ना हो, अगर आप बेहतर स्कोर ना कर पाए, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। मैं चाहूँगा आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, AWACS का पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, AWACS
CS, इसका पूरा नाम क्या है? जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप शिक्षक जरूर बनेंगे, सरकारी शिक्षक। ध्यान दीजिएगा कि AWAC का पूरा नाम क्या है। हाँ, मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह रडार पे आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे विमानों पर वाहन निगरानी के लिए डिजाइन किया गया, इसलिए इसे कहते हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। यह प्रश्न आप लोगों को तैयार करना होगा, स्क्रीनशॉट रखना होगा। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यह क्या है? यह एक रडार आधारित है। कैसा? रडार पर आधारित है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। यह विमान वाहन निगरानी है। यह क्या है? यह विमान वाहन निगरानी, ये इंपॉर्टेंट है, निगरानी, ये याद रखिएगा। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए इस चीजों को जानते रहना होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, विविध में दो प्रश्न आपके फिक्स आते हैं। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके लिए, भारत का फाल्कन रडार किस देश से खरीद रहा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी लाइव हैं वो लाइक कर दीजिए और फिर वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप इस वीडियो से सेलेक्ट हो सकते हैं तो यह काम आपकी जिम्मेदारी है। भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीद रहा है? तो भारत जो है फाल्कन रडार इजराइल से खरीद रहा है। किससे? इजराइल से खरीद रहा है। ध्यान दीजिएगा, इजराइल से हमारे देश के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे जूनियर प्राइमरी की तैयारी करो, जूनियर शिक्षक भर्ती की, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, दोनों की रामबाण सीरीज आपके लिए है। ऐसी सीरीज अगर यूट्यूब पे मिल जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन से, आपके समय से बढ़कर ये वीडियो नहीं है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में किस रैंक पर आता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। आर्मी में लेफ्टिनेंट का नेवी में क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं दोनों बातें बताऊंगा, ठीक है, दोनों बातें बताऊंगा। देखिए, अगर यह नेवी में पूछेगा तब क्या होगा, अगर ये नेवी की जगह अगर ये वायु में पूछता, अगर ये वायुसेना में पूछता तब, क्योंकि सर कहेंगे ना सर अगर वायुसेना में पूछता तब क्या होगा। देखिए, आर्मी लेफ्टिनेंट जो होगा ये थल सेना का है, अगर वायुसेना का पूछता तो फ्लाइंग ऑफिसर होता है। क्या होता है? फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है। लेकिन अगर नेवी में पूछेगा तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नेवी शब्द का प्रयोग कर रहा है। अगर हम नेवी की बात करते हैं तो सब लेफ्टिनेंट कहते हैं, एकदम राइट आंसर है, सब लेफ्टिनेंट कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा। रक्षा प्रतिरक्षा विविध के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं किसी भी YouTube चैनल पर आपको ये सीरीज नहीं मिलेगी, चाहे जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इसलिए यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है तभी वीडियो पे बने रहिएगा, तभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? जो भी साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट वीडियो का जवाब देंगे। कितने बहादुर शिक्षक और शिक्षिका हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, गलत या सही आपको जवाब देना है। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तब भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम, यहां पर नाभिकीय कहा है इसलिए याद रखिएगा, प्रथम पनडुब्बी नहीं, ठीक है, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी का नाम, एकदम राइट आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, नाग था, एकदम सही जवाब। जी हाँ, नाग अग्नि मिसाइल भी है, यह नाग एक अग्नि मिसाइल भी, याद रखिएगा, यह एक अग्नि मिसाइल है, नाग एक असली अग्नि मिसाइल है, जबकि प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी चक्र है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये होगा चक्र, ये होगा चक्र, लेकिन जो नाग है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम नाभ की ये अग्नि मिसाइल है। नाग क्या है? ये अग्नि मिसाइल है, ठीक है। लेकिन अगर प्रथम नाभ की पनडुब्बी पूछेगा तो ये चक्र है, ये क्या है? ये चक्र है, ये क्या होगा? चक्र होगा। ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर सी होगा, नाग अग्नि मिसाइल है। नाग क्या है? अग्नि मिसाइल है, लेकिन नाभ की पनडुब्बी जो है वो क्या है? चक्र है, ठीक है। और ये अग्नि भी, ये भी मिसाइल है, ये भी क्या है? ये भी मिसाइल है, लेकिन ये चक्र जो है ये नाभ की पनडुब्बी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। कमेंट करिए, कोई किसी को परेशान ना करे वरना टेक्निकल टीम आपको बाहर कर देगी, ठीक है। मिसाइल का जनक किसे कहा गया? सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, मिसाइल का जनक किसे कहा गया? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, मिसाइल का जनक किसे कहा गया? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे मिसाइल का जनक किसे कहा गया। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि मिसाइल से मिसाइल मैन किसे कहते हैं आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। जी हाँ साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पर होगा अब्दुल कलाम। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में एक इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसकी कमान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को, इसलिए मिसाइल मैन, मिसाइल का जनक इन्हें कहा जाता है। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाग क्या है? जरा फटाफट कमेंट करके बताइए ये नाग क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, नाग क्या है? ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, यूट्यूब पे पूरी तरह से फ्री चलती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सरकारी शिक्षक बनाना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, नाग क्या है बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर इस प्रश्न का जवाब देना होगा तो क्या देंगे? देखिए आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए ये टैंक है, प्रक्षेपास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, ये अग्नि वही ऊपर मैंने बताया था, ये प्रक्षेपास्त्र है माने ये फेंक के मारता है। और अगर ये पूछा जाए सतह से हवा में मार करने वाला, सतह से हवा में मार करने वाला क्या कहते हैं पता है? आकाश। उसका नाम क्या है? आकाश है। क्या नाम उसका? आकाश। फिर कह रहा है जी हाँ पिनाका जो है, अगर पिनाका अगर यहां पूछ देगा पिनाका क्या है तो यहां पर पिनाका, ये मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली को पिनाका कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनाका कहते हैं। नाग एक जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, ठीक, क्लियर हुआ जी हाँ। और 2015 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी नाग को गिराया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट होगा, ठीक है। किसी क्लियर हो तो कोई दिक्कत हो बताइए। सतह से सतह मार करने वाले मध्यम दूरी का जो होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम अग्नि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये इसे अग्नि मतलब सतह सतह मार करने वाले जो मध्यम दूरी का होता है उसे अग्नि कहते हैं। टैंकनाशक नाग को भी हम अग्नि के नाम से जानते हैं, लेकिन इस अग्नि का कोई मतलब नहीं है। ये सतह से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी का जो प्रक्षेपास्त्र होता है उसे हम अग्नि कहते हैं, ठीक है, क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से 2 नंबर आते हैं, और किसी भी YouTube चैनल पर यह टॉपिक आपको नहीं पढ़ाई जाती, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा प्राइमरी और जूनियर के MCQ सीरीज में। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गजराज किसका नाम है? सभी साथी सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं गजराज किसका नाम है।
गजराज किसका नाम है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, गजराज निम्नलिखित में से किसका नाम है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से गजराज किसका नाम है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तभी ये वीडियो आपके लिए हितकर होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, गजराज किसका नाम है? गजराज IL 76 को हम गजराज कहते हैं। ये मालवाहक विमान है, याद रखिएगा, जो गजराज है, गजराज माने बहुत बड़ा होता है, तो गजराज क्या है? मालवाहक है, मालवाहक है। मालवाहक क्या है भाई? गजराज क्या है? ये वायुसेना में, कहाँ पर है? ये वायुसेना में है, एकदम याद रखिएगा। गजराज माने बहुत बड़ा, हाथी जैसा है, ठीक है। IL 76 को गजराज कहते हैं, ये मालवाहक है वायुसेना में, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोग को? अच्छा एक प्रश्न, एक छोटी सी बात मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग को बुरा भी लग सकता है। आप लोग को इस PDF नोट्स को बनाने के लिए, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन एक घंटे में जो खत्म होते हैं, मुझे 4 से 5 घंटे का समय लगता है, और इतनी मेहनत से मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ ताकि आप यहाँ से एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आप लोग से एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आपकी आत्मा ये कहे कि मैं वीडियो के अंत तक बने रहूंगा, इस वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो से शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप मेहनत करके सरकारी नौकरी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को मेरा निवेदन है कि लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर ऐसी क्लास यूट्यूब पर किसी को मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके जीवन से, मैं आपके कैरियर से नहीं खेल सकता, मैं हमेशा सेलेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो परीक्षा में हूबहू आपको आए। अजी आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है? गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करने से जवाब दें। आपके शेयर करने से, लाइक करने से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मैं निःशुल्क आप पे पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जिस तरह मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, अपने टाइम से 1-2 मिनट लेट भले हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप सेलेक्ट होकर जाएं, सरकारी नौकरी करें, इसलिए आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। कौन गाइडेड मिसाइल है? तो आइए गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करते हैं। इसे भारत डायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत डायनामिक्स इसके कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, ध्यान दीजिएगा, ये 1970 में, कहाँ पे? एपी माने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कहाँ? हैदराबाद में, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में। अब आंध्र प्रदेश में नहीं है तो आप लोगों को पता भी होगा यहाँ पर कौन कौन सी मिसाइलें के उत्पाद होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पृथ्वी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, ये विविध का प्रश्न है, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, इन सभी का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसे हम भारत डायनामिक्स कहते हैं। यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, भारत डायनामिक्स एकदम रट्टा मान लीजिएगा। भारत डायनामिक्स 1970 में स्थापित हुआ था हैदराबाद, इस समय हैदराबाद किस राज्य में है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश को बनाया जाता है, इसे हम गाइडेड मिसाइल कहते हैं। गाइडेड मिसाइल कहाँ बनता है? भारत डायनामिक्स में बनता है, ठीक है, क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, त्रिशूल क्या है? जस्ट ऊपर मैंने बताया, अब आपको कमेंट करके बताना है त्रिशूल क्या है। अब ये बताइए त्रिशूल से किसी को कैसे मारा जा सकता है, अपने दिमाग में थोड़ा सा लगाइए कि त्रिशूल को कैसे, अगर आपको त्रिशूल से हमें मारना हो कि सर मैं आपको मारना चाहता हूं, तो भैया कैसे मारेंगे? त्रिशूल को फेंक के मारेंगे, क्या करेंगे? फेंक के मारेंगे, माने सतह से हवा में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिशूल सतह से हवा में जाएगा, इसलिए इसके जो नाम होते हैं उसको दिमाग लगाएंगे, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आप जमीन पर हैं, जब किसी को मारेंगे तो हवा में जाकर उस व्यक्ति को लगेगा, ठीक है। तो सतह से हवा में जो प्रक्षेपास्त्र होता है उसे हम त्रिशूल कहते हैं। ये छोटी दूरी का होता है, ये कैसा होता है? ये छोटी दूरी का होता है, ये कम दूरी का होता है, याद रखिएगा। ये थल सेना, नौसेना दोनों में होता है, ठीक है। जबकि सत्ता से सत्ता की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सत्ता से सत्ता जो है यहां पर क्या होगा? अग्नि होगा, अग्नि सत्ता सत्ता मात करता है। पृथ्वी, पृथ्वी माने जमीन, पृथ्वी माने क्या? जमीन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आग कहां जलती है? आग कहां जलती है? आग जमीन में जलती है, तो आग कहां पे है? जमीन से जमीन। पृथ्वी कहां है? जमीन से जमीन, ठीक।
टैंक भेदी क्या है, ये मैंने ऊपर पढ़ाया है। टैंक भेदी क्या है, नाग है। नाग माने सांप डस लेगा, ये टैंक भेदी है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये नाग है। तो ये आपके परीक्षा के लिए सेलेक्टिव प्रश्न है जो परीक्षा में हुबहू आपके आ जाएंगे। यार एक लोग अगर ना पांच पांच मित्रों को जोड़ोगे ना तो आपकी संख्या अच्छी हो जाएगी, 1000 के पार जाएंगे हम। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी कल से छोटे प्रश्न लाऊंगा, कम प्रश्न आपको करा के चला जाऊंगा, क्योंकि जब आप मेरी नहीं समझेंगे तो मैं फिर आपको क्यों समझूं। आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे यार, ध्यान दीजिएगा। टैंक भेदी को नाग कहते हैं, एक प्रश्न आपका तैयार। सतत सत्ता जो मार्ग करता उसे त्रिशूल कहते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। ये छोटी दूरी का होता है, लेकिन जमीन से जमीन अगर मार करना हो तो अग्नि होगा, पृथ्वी होगा। दिमाग लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिमाग लगाएंगे कि अग्नि क्या है, जमीन से जमीन, जमीन पे आग लगती है, पृथ्वी जमीन को कहते हैं, तो सतह से सतह मार करने वाला अग्नि पृथ्वी है, सतह से हवा मार करने वाला त्रिशूल है, और एक टैंक भेदी जो देखा जाए वो नाग है। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहां पर है। रटा रटाया प्रश्न है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया ऐसे प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, ऑनलाइन से जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी क्लास निःशुल्क है, लेकिन ऑनलाइन जुड़ने के लिए इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्लास नोट संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर से निःशुल्क क्लासेज आपके लिए प्रतिदिन 9:30 बजे चलती हैं। मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, मोबाइल में क्या करिए, अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तभी वीडियो में बने रहिएगा। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे बताएंगे। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये पुणे में है। कहां पर है ये एनडीए, कहां पर है ये पुणे में है। पुणे कहां है, महाराष्ट्र में है, लेकिन यह पुणे के महाराष्ट्र में कहां है, यह है खड़गवासला। कहां पर है, खड़गवासला में है। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जैसे बेंगलोर है, देहरादून है, तो देहरादून में क्या है, तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है। क्या है, यहां पर भारतीय सैन्य अकादमी है, भारतीय सैन्य अकादमी है, यहां पे भारतीय सैन्य अकादमी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर एक प्रश्न आपके सामने और आ जाता है कि सर बेंगलोर में क्या है, तो मैं बेंगलोर में बता दूं आपको, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कोर मिलिट्री पुलिस। क्या है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री पुलिस, ये कहां पर है, ये बेंगलोर में है। क्लियर, या कोई डाउट है रह गया अभी आपके बीच। ठीक, एक आता है भारतीय रक्षा अकादमी। ठीक, यहां पे थल सेना, नौसेना, तीनों के संबंधित है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, खड़गवासला है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस बेंगलोर में है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का फुल फॉर्म है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है जहां से आपको सरकारी नौकरी मिलनी है। अगला प्रश्न है, बोफोर्स का नाम, बोफोर्स नाम की तोप बनाई जाती है, कहां बनाई जाती है। आपने सुना होगा भारत में बोफोर्स घोटाला जो परीक्षा में पूछा जाता है, आज आपको कमेंट करके बताना है बोफोर्स नाम की तोप कहां बनाई जाती है। ठीक है, ये किसके समय हुआ था, राजीव गांधी के समय। प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी के समय ये घोटाला के रूप में था, बोफोर्स घोटाला। ठीक है, ये किस समय विवादित रहा, राजीव गांधी के समय ये सबसे ज्यादा विवादित रहा। तो जरा बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि क्या से कौन सी तोप है। बोफोर्स कहां पर बनाई गई, स्वीडन। कहां पर, स्वीडन। ये राजीव गांधी के समय विवादित रहा, किसके समय, ये राजीव गांधी के समय ये विवादित रहा। क्लियर, ये किस समय, राजीव गांधी के समय ये विवादित रहा, ये बात आप लोग को अच्छी तरह से जाननी चाहिए। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से कोई डाउट कोई समस्या नहीं है ना। ये स्वीडन में है, राजीव गांधी समय विवादित रहा, मैं आगे बताऊंगा ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न हुआ था, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो बस इतना ही जानिएगा, बोफोर्स घोटाला हुआ था इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके बीच है, हमारे सैन्य दल का मुखिया कौन होता है।
चलिए छोड़ दीजिए। अगला है, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे तैयार हो रहा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहा है? अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल की क्लास शायद हम ना ले पाए, ठीक है। और बाकी क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, इलेनी भी दुर्गेश पर, यहाँ पर आपको फ्री क्लासेज मिलती हैं 9:30 PM पर। चलिए, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहा है? अगर आप लोग आकर सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, यार इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा है तो पूरे यूट्यूब पर अगर ऐसी क्लास मिल जाए तो क्या चैनल छोड़ दीजिएगा। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहा है बताइए, वो प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ जो सीधे परीक्षा में आएंगे, बताइए सभी लोग कमेंट करके क्या होगा, कमेंट करके बताइए, हम आगे बढ़ें हम लोग। क्योंकि देखिए ये है विशाखापत्तनम, क्या होगा विशाखापत्तनम, इसका राइट आंसर होगा INS कुरसुरा के रामकृष्ण मिशन के बीच विशाखापट्टनम में एक पनडुब्बी संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। अगर इसका उद्घाटन देखा जाए, उद्घाटन मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर उद्घाटन की बात करें तो ये 9 अगस्त 2002 को इसका उद्घाटन हुआ था। यहां पर जलयानों के निर्माण के लिए बंदरगाह भी है, ठीक है। अगर देखा जाए कोची में बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, अगर कोची बंदरगाह कहाँ है, ये कोचीन बंदरगाह है, ये केरल में है, ये केरल की बंदरगाह है। अगर हम हल्दिया की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है, ये भी आपके सिलेबस में है, बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पे है, बंगाल में। अगर हम कांडला की बात करें, कांडला कहाँ पर है, ये गुजरात में, ये बंदरगाह है। ये तीनों क्या है, ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह है, बंदरगाह है, ये बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम पनडुब्बी संग्रहालय है, इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2002 को हुआ था, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्रुव क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे ध्रुव क्या है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं ध्रुव क्या है। ये शिक्षक भर्ती के लिए वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी संस्थान में नहीं पढ़ाए जाते, जिसका नाम है विविध में साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 नंबर की सीरीज आती है, उसमें भी ये रक्षा प्रतिरक्षा ये आपके पाठ्यक्रम में है, ये आपके टीचर में और सिलेबस में। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, टेलीग्राम पर लिंक का आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर क्लिक करिए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, यही लिखिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री क्लास, फ्री चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ध्रुव क्या है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ध्रुव क्या है। देखिए ध्रुव की बात करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें ध्रुव क्या है। देखिए मैंने आपको पहले बताया रक्षा प्रतिरक्षा है, और यहां से आपके सिलेबस में जरूर प्रश्न आते हैं किसी भी दशा में। देखिए यहां एक हेलीकॉप्टर है, ये क्या है, एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, ये क्या है, ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है हेलीकॉप्टर है, ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है। मैंने आपको पहले बताया इस टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रक्षा और प्रतिरक्षा, जो आपके सिलेबस में काफी महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां पे गलती करिएगा, लेकिन परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे चाहे जितनी गलतियां हो जाए, लेकिन जिस समय आप परीक्षा हाल में हो, एक एक गलती आपको नौकरी से वंचित कर सकती है, इसलिए इस क्लास को एक नहीं 1000 बार देखिएगा, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगला प्रश्न आपके बीच है, 3 विशिष्ट सेवा पदकों गिनाइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, यह मत कहिएगा यह प्रश्न आपको नहीं पता। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं, जिनको वास्तव में एक सरकारी नौकरी करना है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे शिक्षक बनना चाहे शिक्षिका बनना चाहे, सभी के लिए, सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करके बताएं 3 विशिष्ट सेवा पदक कौन कौन से हैं। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, मैंने आपको पहले बताया इस टॉपिक का नाम है आज का आपके शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी के पाठ्यक्रम में विविध में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, ये वाला ध्रुव नहीं है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वाला ध्रुव नहीं था। देखिए यहां पर आप लोगों ने काफी सही जवाब दिया है, देखिए भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना पे साहसी वीर सैनिकों को शांति काल में परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल
यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो परम विशिष्ट सेवा मंडल, अति विशिष्ट मंडल, क्योंकि नोबल यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, विशिष्ट सेवा मंडल, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उनके जवाब सही है। जबकि युद्ध में वीरता हेतु परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये विशिष्ट पद है, ये कब दिए जाते हैं, साहसी शांति काल में कर्तव्य निष्ठा के लिए दिए जाते हैं। लेकिन वीरता के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा, युद्ध में वीरता के लिए, वीरता के लिए कौन कौन दिए जाते हैं पता है? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, फिर दूसरा महावीर चक्र, महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, वीर चक्र। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर आपको शिक्षक बनना है सरकारी तो आप लोगों को क्लियर करेगा। समझ में आया आप सबको? परम विशिष्ट सेवा मंडल, अति विशिष्ट सेवा मंडल, विशिष्ट सेवा मंडल, और युद्ध में अगर वीरता आती है उसके लिए परमवीर, महावीर और वीर चक्र, याद रखेगा। क्योंकि हो सकता है परीक्षा में ये भी पूछ दे, क्योंकि हमें आपको तो ये नहीं पता है ना कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर ले यार। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 युद्ध समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? जरा जल्दी से जवाब दें। जरा फटाफट कमेंट करें यार, आप लोग प्रश्न पूछिए, जवाब दीजिए, सिलेक्शन लेना है ना आपको। देखिए यहां पर इस प्रश्न को देखिए, कहीं कहीं देखिए, जब रक्षा पत्र रक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इन सभी के बारे में जानना नहीं चाहिए आपको। इस समय ये 1965 में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये पहले 1952 से लेकर 62 तक थे। उसके बाद दूसरे कौन है? राधाकृष्णन है। ये कब थे? ये 62 से 67 तक थे। 65 युद्ध हुआ, इसका मतलब क्या होगा? सी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक। देखिए अगर वीवी गिरी पूछा है तो वीवी गिरी कौन था? बांग्लादेश, जब बांग्लादेश आजाद हुआ, ये कौन था उस समय? वीवी गिरी थे। समझ रहे आप लोग ना? जाकिर हुसैन, ये कार्यकाल दौरान मृत्यु हुई थी। ये क्या था? 1967 से 69 तक कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। समझ में आया आप लोग को? अब भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है वो कमेंट करके बताएं। समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया सब? मैंने चारों विकल्प को बता दिया, सारे प्रश्न यहां से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। बीबी गिरी के समय बांग्लादेश आजाद हुआ था। एस राधाकृष्णन के समय भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था। राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल 52 से लेकर 62 तक था। क्लियर? ये दो कार्यकाल था, दो कार्यकाल था, 10 साल तक इन्होंने किया था। ये पहले राष्ट्रपति हैं। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट शेयर कर ले, इससे सरल, इससे महत्वपूर्ण अगर कोई पढ़ाए फिर बताइएगा। अगला आपके बीच है, 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम क्या था? सभी बताइए, कोड नेम क्या था? कोड नेम इसका क्या था? देखिए ये किया गया था 11 और 13 मई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-13 मई 1998, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए कमेंट करके। एकदम सही जवाब दिया है। देखिए भारत ने अपना जो दूसरा आणविक परीक्षण, इसे हम पोखरण टू कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पोखरण सेकेंड कहते हैं। ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था, लेकिन इसका जो कूट नाम था ना वो बुद्ध मुस्कुराए।
बुद्ध मुस्कुराए, क्या था? बुद्ध मुस्कुराए। जबकि पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था यह 74 में हुआ था, 1974 में हुआ था। क्लियर हुआ आप लोग का? ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा पूछा सकता है। 11 से 13 में 1998 को पोखरण सेकंड हुआ, जिसे हम 1998 में आणविक परीक्षण की संक्रिया का जो कूट नाम था बुद्ध मुस्कुराए, क्या था? बुद्ध मुस्कुराए। क्लियर। और पहला अगर देखा जाए परमाणु परीक्षण भारत का 18 मई 1974 को हुआ था, तो पोखरण में ही दोनों हुए थे, पोखरण फर्स्ट पोखरण सेकंड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में मुझे बार बार ये बताना पड़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ रक्षा और प्रतिरक्षा है, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आना क्लियर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्य जिसे भारतीय रक्षा बलों में एक महत्वपूर्ण संयोजन के रूप में शामिल किया गया है वो क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, तब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं स्वयं आप सबके आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से मैं गवर्नमेंट टीचर हो गया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी हो, इसलिए मैं प्रतिदिन निःशुल्क आपके लिए 9:30 बजे अपने सारे काम छोड़कर लाइव आता हूं। मेरा खुद का अनुभव रहा है, ऐसे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आप आराम से पास हो जाएंगे, और अच्छे स्कोर के साथ और अच्छे जगह आप अपने जिले में एक गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जल्दी अपने सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्य जिसे भारतीय रक्षा बलों में एक महत्वपूर्ण संयोजन के रूप में शामिल किया गया वो क्या है? देखिए, लक्ष्य की बात की जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चालक रहित वायुयान। बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य क्या है? चालक रहित वायुयान है। ये किसने बनाया था? ये DRDO ने बनाया था। अभी आगे हम लोग DRDO के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। ये रिमोट से नियंत्रित होता है, इसे भारतीय सेना में सन 2000 में शामिल किया गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से आपके परीक्षा में हर हाल में प्रश्न आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं स्वयं आपको इसलिए लेकर आता हूं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा रैंक है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में है, चाहे जूनियर प्राइमरी दोनों की तैयारी में अगर कर रहे हैं तब। भारतीय वायुसेना का रैंक कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, स्क्वाड्रन समझ रहे हैं आप लोग, ये भारतीय वायुसेना का पद है। ठीक, इसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर आते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की, रक्षा पत्रक्षा आज के टॉपिक का नाम है। भारतीय वायु नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? भद्रे से कौन सा वायु वाहन है? सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। विराट, सम्राट, सुखोई, मिराज। सम्राट को मैंने पढ़ा दिया, अभी ऊपर जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उन्हें मैंने सम्राट पढ़ाया था। देखिए, भारतीय नौसेना के विमान वाहन INS विराट है, INS विक्रांत है। ठीक है, अगर सुखोई की बात की जाए तो ये भारतीय वायुसेना में बम वर्षक विमान है, वायुयान वाहन नहीं है, ये बम वर्षक है। समझ में आ रहा आप लोग को? हाँ, मिराज भी बम वर्षक है, लेकिन ये फ्रांस में बना है। ये कहां बना है? फ्रांस में। सुखोई कहां बना है? रूस में। क्लियर, सब समझ में आ गया आप लोग को? सुखोई बम वर्षक है, रूस में बना है, मिराज बम वर्षक है, फ्रांस में। ठीक है, चलिए दूसरी बात, विराट क्या है? INS विराट। कौन सा है? INS विराट, INS विक्रांत। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। युद्ध टैंक कहां बनाया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइएगा युद्ध टैंक कहां बनाया जाता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि ये युद्ध टैंक कहां पर बनाए जाते हैं। माना ये भारत बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, मैंने काम चलो भारत बना दिया ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए। क्लियर? अब यहां पे आपको बताना है युद्ध टैंक कहां बनाया जाता है, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं युद्ध टैंक कहां बनाया जाता है। देखिए यहां पे इसकी स्थापना देखा जाए, युद्ध टैंक हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में किया जाता है। इसकी स्थापना ये अवाडी है, ठीक है, अवाडी है। अगर इसकी स्थापना देखा जाए तो कब किया गया था? 1965 में। कहां पे? 1965। कहां पर है ये? ये यहां पर है। कहां पर? ये चेन्नई के पास। अवाडी कहां पर है? चेन्नई के पास में। यहां पर अगर देखा जाए तो कौन कौन अभी तक बना है इसमें, अवाडी में क्या क्या बना है, इस अवाडी में क्या क्या बना है। पहला कर्ण, भीष्म, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, ये सभी महाभारत वाले पात्र हैं। विजयंत, ये सभी कहां से? यहां से बनाए गए। इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये चेन्नई के पास अवाडी है और इसकी स्थापना 1965 की गई। कर्ण, भीष्म, अर्जुन, विजयंत यहीं से बनाए गए हैं, ठीक। ये सभी टैंक है, ये सभी क्या है? टैंक है, ये टैंक के नाम है। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? देखिए आपको अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो अंत तक बने रहना होगा और 9:30 बजे ना डेली लाइव आना होगा, एकदम अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना होगा, ठीक। ये प्रतिदिन लाइव चलती है जिसका लिंक टेलीग्राम पे, ई लर्निंग पे, दुर्गेश पे मिलेगा। ऐसी वीडियो अगर यूट्यूब पे कहीं मिल जाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने सीरीज को पूरी पढ़ ली प्रतिदिन लाइव आकर तो आपको सरकारी नौकरी से कोई माइक कलाल रोक नहीं सकता। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कौन सा नवीनतम टैंक है, मतलब हाल ही में कौन सा बना है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहां पर अर्जुन होगा, क्या होगा? अर्जुन इसका राइट आंसर होगा। यहां डीआरडीओ में बना है। अगर हम आकाश की बात करें तो यह कैसे मार करता है? आकाश, ये आकाश का ऊपर होता है तो सतह से वायु, आकाश सतह से वायु में वार करता है। पृथ्वी जमीन पर है, मैंने पढ़ाया है, सतह से सतह। भीम क्या है? टैंक है। कैसा टैंक है? 3G है, तीसरी पीढ़ी का है। ये 3G है, ये स्वचालित टोप है, ये स्वचालित टोप है, ये स्वचालित टोप है, ये 3 जनरेशन का है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा क्योंकि मैंने बताया आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के प्राइमरी जूनियर के विविध के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रक्षा प्रतिरक्षा आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है। कौन सा नवीनतम टैंक है? इसका उत्तर आपने बता दिया सर, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, अर्जुन। आकाश क्या है? सतह से वायु में वार करता है। पृथ्वी सतह सतह। भीम टैंक है तीसरी पीढ़ी का, 3G माने तीसरी पीढ़ी। ये स्वचलित एक तोप है। क्या है? स्वचलित एक तोप है। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए ये वही वीडियो लाइव देखें अंत तक जिनको सरकारी शिक्षक बनना है, बाकी के लिए काम का नहीं है। जिनको गवर्नमेंट शिक्षक या शिक्षिका, अध्यापक या अध्यापिका बनना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या होगा? शीश का सही आंसर है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है। भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है, भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है,
ये है पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र में शामिल पृथ्वी है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पृथ्वी इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सुखोई क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, गलत सही आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और आप लोग की संख्या जितनी उतने लोग लाइक तक नहीं करते। यार आप लोग सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कम से कम शिक्षा की कद्र करिए। 10 लोग को प्रतिदिन जोड़िए। अगर भरोसा है मेरी क्लास से, विश्वास है अगर आपको मेरी क्लास से, अगर आपकी आत्मा एक एक वीडियो देखने के बाद कि इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। एकदम है यार, सुखोई एक लड़ाकू विमान है, मैंने ऊपर पढ़ाया है, और ये रूस से बना है, मैंने ऊपर पढ़ाया रूस से। ठीक, समझ में आना आपको? हां, ये भारतीय वायुसेना का ऋण साबित हो रहा है सुखोई। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा था? यह भी मैंने पढ़ाया ऊपर, लेकिन वहां पे वायुसेना था, यहां पर जल सेना है। बस फर्क इतना है, इतना फर्क है, ऊपर हमने वायुसेना पढ़ाया था, यहां पे जल सेना है। भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये INS विक्रांत है। क्या है? INS विक्रांत। इसे 1961 में सम्मिलित किया गया भारतीय नौसेना। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव सबसे ज्यादा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। अब हम क्लास खत्म करने के कगार पे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे हम, वरना अगर आप लोग की संख्या यही रहेगी, आप इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं इतनी मेहनत कैसे करूं? भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव है? बताइए। भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित किस तत्व का प्रभाव है बताइए? संघवाद। देखिए हमारे यहां अगर देखा जाए, भारत की बात की जाए, तो भैया संघवाद भी है, संसदीय लोकतंत्र भी है, नियोजन भी है, ये सभी है, सभी का प्रभाव है, यहां पे मिला जुला है। ठीक, इसलिए ये सभी इसका सही है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको डी देना है। जहां पे डी आ जाए, ये सभी 80% सही होता है, मैंने आपको पहले बताया है। जब उतरना है तो ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न आपके बीच है, प्रशासनिक नीति का अंग कौन सा है? प्रशासकीय नीति का अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार हैं बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। 9:30 क्लास आपके लिए लाइव चलती है डेली, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे निःशुल्क आपके लिए। देखिए सच्चाई होनी चाहिए, आप में दक्षता होनी चाहिए, तथस्ता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। सभी में आया आप लोग? सभी तीनों प्रशासन की नीति के अंग होता है, साम दाम दंड भेद। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना के कमांडर के बराबर होता है। अगर ये वायुसेना में पूछता, ध्यान दीजिएगा, थल सेना और ये नौसेना था, ये नौसेना के बराबर है। अगर वायुसेना पूछ देता तब तो ये विंग कमांडर होता। क्या होता?
विंग कमांडर, यहां पे क्या होगा वायुसेना। थल सेना में क्या है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर होता है नौसेना में, विंग कमांडर होता है वायुसेना में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी इसका सही जवाब। क्लियर, किसी को डाउट, किसी को समस्या, किसी के मन में कोई प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उनसे रिलेटेड रक्षा प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय रक्षा बल से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है। यह भी मैंने पढ़ाया, भारतीय रक्षा बलों से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग किया गया है। बताइए सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। राइट आंसर डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय अगर पूछ दिया तब हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसका मुख्यालय कहां पर है दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म किसी को पता है डीआरडीओ का, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। क्लियर, किसी को डाउट हो पूछ सकता है। विविध की महत्वपूर्ण क्लास है, मुझे बार बार बताना पड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। बताइए, जनरल होता है। क्या होता है जनरल, अगर कॉपी कलम लिखे तो ले लीजिएगा, जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है ना, इसके बाद क्या होता है लिखना चाहिए, ये पहले हो गया। दूसरे पे क्या होता है पता है किसी को? हाँ, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल। तीसरे पे क्या होता है पता है आपको? तीसरे पे क्या है? मेजर जनरल। चौथे पे क्या है पता है आपको? चौथे पे ब्रिगेडियर। ठीक, मतलब ये हो गया चौथे पर ब्रिगेडियर। पांचवें पे कर्नल लेफ्टिनेंट, कर्नल लेफ्टिनेंट। कर्नल लेफ्टिनेंट ठीक, फिर मेजर है आदि है। ठीक है, तो यहां तक उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, पैदल सेना को क्या कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पैदल सेना को क्या कहते हैं। आज मुझे यह देखना है कि कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। क्या कोई ऐसा भी है जो सरकारी शिक्षक बनना चाहता है? जरा एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि पैदल सेना को क्या कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे पैदल सेना को क्या कहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको जरूर जवाब देना होगा। टेट सी टेट शिक्षक भर्ती यूपी टेट सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। हाँ, ये मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में आप जौनपुर से या ऑनलाइन कहीं से भी जुड़कर पढ़ सकते हैं। पैदल सेना को क्या कहते हैं जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, पैदल सेना को क्या कहते हैं। उसे हम इन्फेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंट्री कहते हैं। ये सैनिक आयु कहा जाता है जो भूमि में पैदल चलते हैं, ये छोटे छोटे अस्त्रों के साथ। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? इन्फेंट्री कहते हैं, इन्फेंट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा,
सिलेक्शन लेना हो तब। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहां पर स्थित है? देखिए, डेली क्लास अगर आपको लेनी है, अगर आपको वास्तव में सरकारी शिक्षक बनना है, तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 9:30 बजे फ्री में क्लास चलती है और आप लाइव आइए। इतनी सपोर्ट करिए ताकि मेरी मेहनत का फल इस बेसिक शिक्षक परिवार की तरफ चले और आप भी बेसिक शिक्षक परिवार का हिस्सा बन सके। देखिए, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहां पर है इस बारे में हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। ये वेलिंगटन है। कहां पर? वेलिंगटन। ये वेलिंगटन कहां है पता है आपको? तमिल नाडु में। वेलिंगटन कहां पर है आपका? तमिलनाडु में है आपका। यहां पे भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों शाखाओं आदि के लिए भी प्रशिक्षण देना पड़ता है और कुछ पड़ोसी देश के लिए भी देते हैं। तो क्या होगा? यह आपका सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता हस्ताक्षर किया गया था। जरा सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाह रहे हैं। यहाँ पे गलत हो जाए लेकिन परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते तो कितनी गलतियां करते। लेकिन अगर आज आप इस प्रश्न की सीरीज को पढ़ लेंगे तो सोचिए कितना बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पे हम गलतियों से सीखते हैं। इसका उत्तर होगा 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई। किनके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी के साथ। और किसका हुआ था? जुल्फिकार अली भुट्टो। अली भुट्टो, ठीक, शिमला समझौता हुआ था। ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 71 में युद्ध हुआ था किससे? भारत और पाकिस्तान। एक तरह से देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान से, जिसका नाम बांग्लादेश हो गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जुल्फिकार अली भुट्टो से, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग, बस वो महत्वपूर्ण है। सरकारी शिक्षक बनना है यार आपको। अगला है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जल्दी से जवाब दें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको अपना बेहतर दें, तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं प्रतिदिन क्लास में है, तो अपने 10 साथियों को बताइए। इसका लिंक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा, ट्विटर, जहां हो सके आप शेयर करिए। जी हाँ, और ऑनलाइन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो जौनपुर से चंदपुर से चलती है, क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन फ्री एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में पढ़ाता हूँ। देखिए, भारत में स्थापित जो पहला है, एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, नरौरा। ये क्या है? नरौरा नहीं, नरौरा कहाँ है पता है? ये यूपी में है। आप लोग तुरंत यस यस करना शुरू कर देते हैं। इसका उत्तर होगा तारापुर। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये देखा शुरू किया जाए, इसका निर्माण, अगर इसका निर्माण की बात की जाए, कब से इसका निर्माण हुआ था, तो 1962 में हुआ था। शुरुआत, प्रारंभ कब हुआ पता है? 1969। याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी। अब जरा कमेंट करके बताइए कहेगा कहां पर है। जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएं कि कहेगा कहां पर है, कहेगा कहां पर है, ये जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से। नरौरा मैंने बता दिया कहां पर है, यूपी में है। ठीक है, क्लियर हुआ यार? आप लोग डेडिकेटेड रहिए,
सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी नौकरी जो करना है आपको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 9:30 बजे से एकदम लाइव आ जाइए, सरकारी शिक्षक बनना है तब। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, माना है भारत है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, काम चला हुआ है आपके लिए क्योंकि सिलेक्शन के लिए है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, फटाफट कमेंट करें। जितने लोग को सरकारी शिक्षक बनना है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यार सरकारी शिक्षक बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली 9:30 बजे आपको लाइव आना पड़ेगा, मोबाइल में लगा लीजिए अलार्म 9:30 बजे से, एक दिन में एक टॉपिक। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? यह है तिरुवनंतपुरम में। ये कहां है? ये केरल राज्य में है। ये कहां पर है? ये केरल राज्य में है। ये केरल की राजधानी भी है। इसकी स्थापना अगर हम बात करें, तो 1962 में हुआ था। इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र है ये। ये इसरो का सबसे प्रमुख केंद्र है, एकदम रट्टा मार लीजिए आप लोग, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको सरकारी नौकरी करनी है, एकदम रट्टा मार दीजिए, ठीक, क्योंकि इतनी आसान नौकरी नहीं है जितना हम समझते हैं, उतना कठिन भी नहीं है जितना हम आप सोचते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैदराबाद कहाँ पे है, ट्राम्बे कहाँ पर है, बंगलुरु कहाँ पर है, ये धीरे धीरे करके मैप में जाना करिए। मैप बनाने से हमें लोकेशन याद होगा। अब आपको यहाँ पे दो फायदा होगा कि इसका पड़ोसी देश राज्य क्या है, तो आप कहें सर यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है, माने केरल के दो पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो मैप बनने से हमें कई चीज़ें क्लियर हो पाती हैं और हमें भी फायदा होता है, हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा भी पाते हैं, समझा भी पाते हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। इसे हम IAEF अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA होगा ना, एजेंसी ए होगा, हाँ IAEA एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है? ये वियना ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर है ये? ये वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य देश 171 है, 171। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। क्लियर हुआ? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ISRO का पूर्ण नाम क्या है? इसे इसरो कहते हैं, इस शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम? इसरो कहते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? अगर इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना 15 अगस्त, ये हमने पढ़ाया है, 1969 को हुआ था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। और ये इसरो का काम क्या है? अंतरिक्ष में कार्य करने वाली एक उपग्रह प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, जो उपग्रह प्रणाली होता है उसके डिजाइन तैयार करने का काम करता है। जी हाँ, इसका उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, इसका मुख्यालय कहां पर है कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने पढ़ाया है, इसरो का मुख्यालय
कहाँ पर है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव, नहीं तो आप वीडियो को बाद में जरूर कमेंट करके बताइएगा। लक्ष्य क्या है, ऊपर मैंने पढ़ाया था, दोबारा आ गया, लक्ष्य क्या है। जैसे था ध्रुव क्या है, आया था ना ऊपर, ध्रुव क्या है, तो आपने बताया हेलीकॉप्टर है, तो ऐसे आपको बताना है लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है यार, मैंने ऊपर पढ़ाया है, लक्ष्य क्या है, चालक रहित विमान है। ठीक, क्या है, चालक रहित विमान है, मैंने ऊपर पढ़ा दिया था, तब भी आप लोग बता रहे हैं लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य का मतलब, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ये आपके रक्षा प्रतिरक्षा का प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला आपके लिए है ध्रुव क्या है, ऊपर मैंने पढ़ाया था, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है, कुछ लोग कहेंगे सर, आप तो कहेंगे सर ये तो ध्रुव हमें जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जी नहीं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ध्रुव है, ये रक्षा प्रतिरक्षा का ध्रुव है, ये एक लड़ाकू हल्का हेलीकॉप्टर है। क्लियर, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा ये बनाया जाता है, ये भारत में बनता है। ठीक है, हम आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ, हवा से जमीन में कौन मार करता है। हवा से जमीन में एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। हवा से जमीन पे कौन मार करता है, अग्नि सतह से, कहां आग कहां लगेगी, जमीन पर, पृथ्वी पहले से सतह। अब आकाश और नाग, आकाश तो नामी है, हवा से जमीन तक नाग, नाग इसका मैंने ऊपर पढ़ाया था, हवा से जमीन तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जो है वो नाग है। रट्टा मार लीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे कि आपको समझ में आया, आकाश का आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आकाश को पढ़ा दिया है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको ये विदित होगा कि मैंने आकाश पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, हाँ हमने पढ़ाया है। ठीक, ये सतह से हवा में, ये क्या है, आकाश क्या है, सतह से हवा में, और ये इसका ठीक उल्टा नाग है, ये भी क्या है, सतह से हवा, और ये हवा से जमीन में है। देख रहे, दोनों में अंतर, मेजर डिफरेंस है। हाँ, नाग उड़ते हुए आएगा और आकाश नीचे से ऊपर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आकाश क्या है, ये नीचे से ऊपर जाएगा, और ये नाग जो है ये ऊपर से नीचे आएगा, बस ऐसे याद करिएगा। ठीक, अग्नि जमीन से जमीन, पृथ्वी जमीन से जमीन, क्लियर, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह टीवी नेटवर्क कार्यक्रम को संपूर्ण देश में प्रसारित करता है। कौन सा उपग्रह, टीवी नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लोग टीवी देखते हैं उनको जानना पता होना चाहिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, टीवी नेटवर्क कार्यक्रम को संपूर्ण देश में प्रसारित करने में मदद करता है, कौन मदद करता है, फटाफट कमेंट करें। जो लोग सरकारी शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका बनने का सपना सजोए हुए हैं, सभी प्रश्न का जवाब गलत या सही देंगे। गलत होने पर आप गलती को सुधार कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में गलती होने पर आप नहीं सुधार कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जवाब जरूर देते रहिएगा। हम क्लास खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे संख्या कम कर रहे हैं पढ़ाने की जगह। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए जल्दी से, यह होगा इनसेट वन बी, क्या होगा, इनसेट क्या है, इन सेट, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल
सैटेलाइट सिस्टम, यह 1983 में छोड़ा गया था, 1983 में। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट समझ में आया आप लोग को कि नहीं? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, रट्टा मार दीजिएगा। बाद में आर्यभट्ट को पढ़ेंगे, ये पहला था, रोहिणी को पढ़ेंगे, एप्पल पढ़ेंगे, ठीक है, सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी जो करना है भैया आप लोग को। अगला है आपका, भारत द्वारा पहला उपग्रह कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आज का सिलेबस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये क्लास 9:30 बजे चलती है और 9:30 बजे से लेकर 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास होती है, 1.5 घंटे से कम की क्लास आपकी नहीं होती और ये फ्री चलती है बिल्कुल। इस क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर या डिस्क्रिप्शन में लिंक, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलेनी भी दुर्गेश। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है, देखिए भारत द्वारा जो प्रक्षेपित पहला है वो आर्यभट्ट है, पता है कब? 19 अप्रैल 1975, क्लियर? ये सोवियत संघ रूस से भेजा गया था, कहां से? सोवियत संघ रूस से भेजा गया था, ये कृत्रिम है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आप लोग को? समझ में आप लोग को ना? 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था, किसके द्वारा? कॉस्मोसन प्रक्षेपण यान द्वारा यह भेजा गया था सफलतापूर्वक। अगला है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे और इसी के साथ आज क्लास यहां पर खत्म होगी और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एम आपके सामने नहीं होगा तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है और ये लगभग 1.5 घंटे से क्लास चल रही है और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक धैर्य रखे हैं। ये जौनपुर जनपद से निःशुल्क क्लास आपके लिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चलती हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन और हम आपके सिलेक्शन के लिए लगातार मेहनत करते हैं। मैं चयनित हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी चयनित हो, आगामी आने वाले भर्ती में आपका एक पद रिजर्व हो। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, वैलेंटिना तेस्कोवा, तुकोवा, जुंको तेबई, इन सभी के बारे में एक एक लाइन आपको बताना है, चारों विकल्प अभी तक मैंने सभी विकल्पों को व्याख्या करके बताया है। ये क्लास की टाइमिंग आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना हो, बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो लोगों को बताइएगा, जोड़िएगा, या नहीं तो मत बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा, मैं हमेशा अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। कल की एक और नई टॉपिक होगी, आज की टॉपिक यहाँ पे खत्म है। तो नील आर्मस्ट्रांग किससे गए थे? अपोलो 11 से। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। कहाँ पर? चंद्रमा के धरती पुत्र थे। ठीक, कौन कौन थे? 3 लोग थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और कौन था, जरा कमेंट करके बताइएगा। 3 लोग थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और कौन था, फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यूरी गागरिन के बारे में, ठीक है, यूरी गागरिन के बारे में आप जरूर बताइएगा। यूरी गागरिन क्या थे, वैलेंटिना तेसेरोकोवा क्या थी, तुको तेबई, इन सभी के बारे में अपनी अपनी एक एक विशेषता है, इन सभी के बारे में आप सभी को कमेंट करके जरूर जवाब देना है। ठीक, तो जो लोग इस वीडियो के अभी तक बने थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और अपना बेस्ट दिया है, सभी कंटेंट को नोट कर रहे हैं, वो जल्दी से आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आए। और क्योंकि आपका लक्ष्य, आपका एम केवल सरकारी शिक्षक बनना है, उसीलिए आप अपना बेहतर दे रहे हैं और मैं चाहूँगा इसी तरह से आप बेहतर देते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद रहा तो अगली भर्ती में आपका चयन जरूर सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को।
आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, जरूर पूछिएगा और साथ रहे। जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, ईश्वर करे वो ऐसे ही करते रहे, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग ऐसे नकारात्मक काम करते रहे, क्योंकि उनका जगह वही है। लेकिन आप अच्छे लोग, आप सभी लोग अच्छी जगह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर किसी कमेंट नहीं शो हो रहा है, आईडी चेंज कर ले, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका कमेंट हाइड हो गया हो, या नहीं दिख रहा हो, या नहीं हो पा रहा हो, ये यूट्यूब की वजह से गलती हुई है। इसलिए जिनका कमेंट वगैरह नहीं शो हो पा रहा है, वो आईडी चेंज करके दूसरी आईडी बना सकते हैं। और कोई सवाल आपका है कमेंट करके पूछेगा। 9:30 बजे लाइव आइएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी की क्लासेस चलती हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है दुर्गेश सर, उस पर जुड़ सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश का है ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, जहाँ पर ये लाइव आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। अब मैं स्वयं एक सरकारी शिक्षक हो चुका हूँ, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी मेहनत किया, मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करें, ठीक है। मुन्ना देवी ने एकदम सभी सही बताया है। आप लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह लगे रहिएगा, अपने जीवन का बेस्ट देते रहिएगा। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, आपके दामन में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप जिस जिले से हो, जिले में शेयर करिएगा, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे जगह दीजिएगा, ताकि आप भी अच्छी चीज़ें पढ़ें, आपके माता पिता, आपके परिवार, सभी साथी जुड़ें और एक अच्छी चीज़ को पढ़ें। एक अच्छी पहल है जहाँ पे चारों विकल्प को व्याख्या करके हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये चाहेंगे आप बेहतर करें, बेहतर परिणाम दें, बेहतर जगह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ पढ़ाकर। अगर आप लोग संख्या बढ़ाएंगे, आगे भी क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप संख्या बढ़ाने मदद नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो मेरा मनोबल अगर डाउन होगा, फिर मैं कहां से मोटिवेट होऊंगा। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आपका भी काम है, ठीक है। थैंक यू अगेन, फिर मिलते हैं अगले दिन। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगी।